नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 वर्सेस Xiaomi Redmi 11 Prime का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10 Prime 2022 में 6.38 इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 10 Prime 2022 में 2.98 इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो 10 Prime 2022 में 0.38 इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 10 Prime 2022 में 192 ग्राम जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 201 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 10 Prime 2022 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10 Prime 2022 में 6.5 इंचेस जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 10 Prime 2022 में 1080x2400 और Xiaomi Redmi 11 Prime में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 10 Prime 2022 में 83.29% जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 10 Prime 2022 में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 10 Prime 2022 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Redmi 11 Prime की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 10 Prime 2022 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi Redmi 11 Prime की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 10 Prime 2022 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Xiaomi Redmi 11 Prime में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 10 Prime 2022 में Mali G52 MC2 जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 10 Prime 2022 में MediaTek Helio G88 और Xiaomi Redmi 11 Prime में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो 10 Prime 2022 में 4GB की RAM मिलती है, जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 10 Prime 2022 में 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 10 Prime 2022 में Android V11 जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी 10 Prime 2022 में 6000 mAh जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही
तीन कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 10 प्राइम 2022 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें Xiaomi Redmi 11 Prime की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 11 Prime की तो उसमें 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Xiaomi Redmi 11 Prime आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M33 5G है, दूसरा Tecno Spark 8P है, तीसरा Moto G22 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A76 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।